हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर सर्दी। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है आयरन मैन का आर्क रिएक्टर। तो आपने देखा ही होगा यूट्यूब पर बहुत सारे आर्क रिएक्टर बनाया है, लेकिन इसको अलग से पावर देना पड़ता है और इसके अंदर लाइट वगैरह ग्लो करता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो कि यूट्यूबर ने बनाया है, लेकिन आज का जो आर्क रिएक्टर मैंने बनाया वो इसके अंदर से ही पावर बाहर निकलेगा, मतलब इसके अलग पावर देने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आर्क रिएक्टर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या डाला है, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाते हैं और साथ में एक आर्क रिएक्टर बना के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट बहुत ही कम रेट पे और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा और यहाँ पे इंजीनियर के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स लाए हैं माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के टूल्स यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, माउजर अकाउंट के जरिए फ्री में एक नया बूम फाइल बना सकते हैं, जिसके जरिए आप लोगों को नया एक्सपेरिमेंट और नया कंपोनेंट खरीदने में सहायता करेगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानना होगा। इसका बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यह है थर्मो इलेक्ट्रिक, तो इसको आप आसानी से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये जो चीज है, इस पर अगर हम लोग वोल्टेज, इस दो वायर पे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो एक तरफ गर्म होगा एक तरफ ठंडा होगा, तो दोनों प्लेट पे एक तरफ गर्म होगा एक तरफ ठंडा होगा, तो इस तरह ये काम करते हैं। लेकिन हम लोग इसको उल्टा करेंगे, मतलब हम लोग एक तरफ कूलिंग करेंगे एक तरफ हॉट करेंगे, करने के बाद क्या होगा, इसमें से वोल्टेज आउटपुट करेगा। तो ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक है, ये जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे आयरन मैन के जो आर्क रिएक्टर है उस पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसके जरिए हम लोग बनाते हैं आयरन मैन का जो आर्क रिएक्टर है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके जरिए। लेकिन जो गर्म करेंगे वो प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है वो हम लोग बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। We'll be right back.
LTM.com, यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो अभी तो इसका बेस बन गया है, लेकिन आपने देखा होगा आयरन मैन पे जो आर्किटेक्टर के अंदर पाइप के जरिए कुछ पावर ट्रांसफर किया है, लेकिन हम लोग इसके अंदर पाइप के जरिए पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसके जरिए हम लोग पानी को ट्रांसफर करेंगे, मतलब पानी इसके जरिए हम लोग इस पर डालेंगे। तो अभी चलिए इसके अंदर पहले हम लोग पानी को डालते हैं। तो अभी आपने देखा है पानी को इसके अंदर डाल दिया, लेकिन जो आर्किटेक्टर है इसको आपने देखा होगा और एक पार्ट पे जो कि इसके अंदर से एक चीज निकालते हैं, मतलब इसके अंदर डालना पड़ता है, उसके बाद इसका पावर जो कि होते हैं, मतलब पेलेडियम का एक चीज इस पे डालते हैं, लेकिन हम लोगों तो पेलेडियम नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसके जगह इस्तेमाल करेंगे कैल्शियम कार्बाइड का। तो कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग कार्बाइड के जरिए भी जानते हैं, तो अगर आपको कार्बाइड को इस्तेमाल करना है तो बहुत ही सेफ्टी तरीके से इसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब भी कार्बाइड पानी के अंदर जाते हैं तो बहुत ही गर्म हो जाता है, साथ में इसका जो गैस होते हैं इसके अंदर अगर स्पार्किंग होगा तो आग भी जल सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही सेफ्टी के जरिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। आप भी इसको बहुत ही सेफ्टी से इस्तेमाल करिएगा। तो अभी चलिए इसके अंदर हम लोग कार्बाइड को डालते हैं, डालने के बाद देखते हैं इसका रिएक्शन करके क्या निकलता है और इसके अंदर से वोल्टेज एक्चुअली में निकलते हैं या नहीं, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी तो आपने देखा है किस प्रकार से इसके अंदर से पावर निकाला है, मतलब इसका जो आयरन मैन का जो ऊपर का रिंग है उस पर ग्लो हुआ है, तो इस पर एलईडी हमने लगा दिया है इसलिए ग्लो हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो कॉयल हमने फिट किया है, बहुत सारी कॉयल आपने देखा है जो कि तांबे का होते हैं, तो ये हमने फिट किया है ऐसे ही फिट किया है, देखने के लिए सुंदर लगेगा इसलिए मैंने इसको फिट किया है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी इसके अंदर से हम लोग वोल्टेज को निकाल के दिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग इस पर जो कि फिट करेंगे हाई वोल्टेज का एक कन्वर्टर फिट करेंगे, तो इसको कन्वर्टर फिट करने के बाद देखते हैं कैसे इसमें से वोल्टेज निकलते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग एक आर्क रिएक्टर बना सकते हैं, लेकिन इसका पावर थोड़ा कम होगा, कोई जरूरत नहीं है पावर ज्यादा करने की, ये तो पहला शुरुआत है, तो धीरे धीरे इसको हम लोग डेवलप करेंगे और भी ज्यादा पावर कंज्यूम करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।